हाय दिस इज जॉय सिंह, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और दोस्तों अभी आज हम लोग हैं पिलानी में और जो है यहाँ की जो मंदिर है वो घूमने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा बालकनी से। वाओ नाइस, ये है हम लोग बालकनी एरिया में आए हैं होटल की। दोस्तों ये जो आपका सामने दिख रहा है ये जो गॉड हैं मुर्गन, उनका जो है टेंपल है। हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पर, करेंगे विज़िट और करेंगे दर्शन उनके। तो बहुत ही फेमस वैली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो मतलब फ़ैन हो गया यार, और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ का, बहुत ही एटमोसफियर अच्छा है। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया, रात का बज रहा है 8 और हम लोग जो है पलानी घूमने निकले हैं। उसमें यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बेस्ट थिंग है। तो सामने बताया था कि मंदिर है, उसका आपको दिखाया है मंदिर कैसा है, आपको कैसा लगा बताइए। और अभी मार्केट निकले हैं हम लोग घूमने पलानी में। चलेंगे वहाँ ना काका, अभी लोग आए हैं रेस्टोरेंट में जो है डिनर का, दिखाते हैं समथिंग स्पेशल लीफ फूड। ये केले के पत्ते हैं जिस पे खाना खाया जाता है, इसको एज अ थाली यूज़ किया जाता है यहाँ पर, इसी के ऊपर खाना खाया जाता है। कुछ नहीं है। हाँ टोमेटो वाली, टोमेटो ऑनियन, टोमेटो टोमेटो नहीं है, ये इसके साथ खाएंगे क्या? ये सब ये रखना तो है। स्पून भी नहीं देगा क्या? हाथ से खा रहा है। हाँ सब हाथ से खा रहा है। मैंने उसे कटोरी दी ऐसे। अब वो टाइम लगेगा खाने में। लोगों ने मनी अय्यर जो है रेस्टोरेंट में डिनर किया, बड़ा अच्छा लगा। कपड़े से पोछते दोस्तों, अभी डिनर करके आए और आज कुछ है स्पेशल, छोटू भाई साहब का जो है बर्थडे है तो केक कटने जा रहा है। तो हम लोग अभी केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। बोतलें देख के मुझे बहुत, तो केक कटेगा अभी वैसे भी कद्दू कटेगा तो केक कटेगा, सब में बटेगा। काका इस देर काका केक कटेगा ना? हाँ केक कटेगा ना, पहले बता चलो भैया ले रहे आजा। ओके सर, आई एम मेकिंग गेस्ट अपीयरेंस। हां ये वैसे काट देते हो वैसे वो भी बोलते बड़े वाले ये काटते हो खा लेते हैं ऐसे ही इनकी कर दूं ना पूछो ये काट के क्या कर रहा है टू फॉर यू पीछे से क्यों काटेंगे नो मी क्या कहता है हैप्पी बर्थडे टू मी टू मी नहीं टू यू खाया हमने चलो ऑलरेडी कटा है बस तुमको जो शगुन करना बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए जुटियो हजार हैप्पी बर्थडे मत करे यार इतने काम तूने करने लगा हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू यू। हां इसको बता देख ले नहीं लग गया लगा हुआ देख क्या कुछ काम करना कंप्यूटर पे एडिटिंग वगैरह। ये जो तमिलनाडु एरिया पड़ता है पिलानी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा दोस्तों। इतना नीट एंड क्लीन और ग्रीनरी हर जगह थी। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो मैंने देखा जो डिवाइडर्स होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, वहाँ पर जो है सिग्नल्स लगे हुए थे इस तरफ आने के लिए भी और जाने के लिए भी, कि आपको वहाँ पर रुकना है। यही जो है हमारे यूपी में भी होना चाहिए कि जो हाईवे होता है नेशनल हाईवे, उस पर जो है लाइट्स लगनी चाहिए कि आपको स्पीड रोकनी है। और जो हाईवेज़ की सड़कें हैं, यहाँ पर टोल टैक्स ले रहे थे, टोल टैक्स आपको जो है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं वो टोल टैक्स बिल्कुल जेन्युइन था। टोल टैक्स बिल्कुल जेन्युइन था क्योंकि जो रोड्स हैं ना उमदा वर्ल्ड क्लास रोड्स थी, तो मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।